भारत की पवन धरा हमेशा से ही महापुरुषों की जननी रही है। यहाँ पर अनेक साधु संत, ऋषि, वीर सम्राट, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त एवं देश प्रेम से ओतप्रोत महामानव अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपने जप तप, संस्कार, शौर्य व अदम साहस से प्रेरित विचारों द्वारा मानव समाज का मार्गदर्शन किया। ऐसे ही एक वीर पुरुष थे लाचित बरफुकन। लाचित बरफुकन का जन्म पूर्वोत्तर के असम प्रांत में 24 नवंबर 1622 को चराई देव नामक स्थान पर हुआ था। लाचित बरफुकन ने अहोम साम्राज्य के सैन्य कौशल के साथ साथ मानविकी तथा शास्त्र का भी अध्ययन किया था। सैन्य क्षेत्र में बहादुरी तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए उन्हें अहोम स्वर्गदेव ध्वजवाहक का पद सौंपा गया था। उनके साहस शौर्य को देखते हुए राजा चक्रध्वज ने मुगलों के विरुद्ध अभियान में सेना का नेतृत्व करने के लिए लचित बरफुकन को नियुक्त किया। 1671 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध सराई घाट की लड़ाई के अंतिम चरण में जब मुगलों ने आक्रमण किया तो असमिया सैनिक निराश होकर हतोत्साहित होने लगे थे। वह मैदान में लड़ाई से पीछे हटने लगे। ऐसे मुश्किल समय में लचित वीरता का परिचय देते हुए बीमार अवस्था में भी नाव पर सवार होकर मुगलों से लड़ने के लिए अग्रसर हुए। एक सेनापति होने के नाते उन्होंने सैनिकों में एकता का भाव भरकर सेना को एकजुट किया और ब्रह्मपुत्र नदी में युद्ध का आगाज किया। लाचित विजयी हुए और मुगल सेना को हार का सामना करना पड़ा। लाचित बरफुकन ने कम संसाधनों में मुगलों के आतंक और कुशासन का मुंहतोड़ जवाब दिया। सराई घाट की विजय के बाद वीर योद्धा लाचित बरफुकन की मृत्यु हो गई। लाचित बरफुकन की स्मृति में उनकी समाधि जोरहट जिले से 16 किलोमीटर दूर हुलुंग पारा में स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह द्वार का निर्माण किया गया है। प्रतिवर्ष असम में 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्य कुमार भुवान ने लचित बरफुकन को उनकी रणनीति और बहादुरी के कारण भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का शिवाजी कहकर संबोधित किया है। शौर्य, साहस और देशभक्ति के जज्बे से भरपूर लाचित बरफुकन को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन।